गाइस आज की अपनी ये जो वीडियो है ये एक्चुअली में मिडिल ईयर के पार्ट वन का ही कंटिन्यूएशन है। अगर आपने इसके मेरी पार्ट वन वीडियो नहीं देखी ना तो यार मैं पहले ये सजेशन करूंगा इसकी आप पार्ट वन वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें मैं पूरा मिडिल ईयर की सारी बाउंड्रीज अच्छे से समझा चुका हूँ। अगर आप मेरी पार्ट वन वीडियो देख के आए हैं तो यह वाली वीडियो यार बिल्कुल आपके लिए है, आपको पूरी चीजें जो है अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कंटेन, अपन ने बाउंड्री देख लिया मिडिल ईयर की सारी, अब अपन देखेंगे मिडिल ईयर के कंटेन। अब मेनली अपन जानते हैं मिडिल ईयर में रहती हैं तीन बोन, तो सबसे पहले कंटेन मिडिल ईयर का है थ्री स्मॉल बोन्स, सबसे पहले मेलस, इनकस और एस्टेप। तो आपने मिडिल ईयर का सबसे पहला कंटेन है तीन बोन, मेलस, इनकस, एस्टेप, तो जाहिर सी बात है अब इन बोन के लिगामेंट भी होंगे, तो यहाँ पे लिगामेंट ऑफ एयर ऑसिकल्स हैं, तो इन सारे बोन्स के लिगामेंट है। बोन के अलावा मिडिल ईयर में जो है दो स्मॉल मसल भी रहती हैं, एक अपनी होती है टेंजर टिम्पनाई मसल, जो कि अपन ने पार्ट वन वीडियो में देखा था इंटीरियर वॉल में टेंजर टिम्पनाई मसल की ओपनिंग प्रेजेंट होती है ताकि उसका टेंडन यहाँ से क्रॉस कर पाए, तो एक इसमें है टेंजर टिम्पनाई मसल। दूसरी मसल का नाम है एस्टेपिडियस मसल, जो कि पोस्टीरियर वॉल में रहती है मिडिल ईयर के। उसके अलावा मिडिल ईयर की कुछ वेसल्स होती हैं आर्टरी एंड वेन्स, और दो नर्व होती हैं, एक होता है इसमें टिम्पेनिक प्लेक्सिस। अगर आपको याद आ रहा हो तो अपन ने मीडियल वॉल में, मिडिल ईयर के मीडियल वॉल में अपन ने एक स्ट्रक्चर देखा था राउंड सा, उसे अपन बोलते थे प्रोमोंटरी, और उसी प्रोमोंटरी के जस्ट ऊपर अपना होता है पूरा एक नर्व का प्लेक्सिस, उसे अपन बोलते हैं टिम्पेनिक प्लेक्सिस। तो एक तो मिडिल ईयर में होता है अपना टिम्पेनिक प्लेक्सिस, और टिम्पेनिक प्लेक्सिस के अलावा इधर एक होती है नर्व, वो है कॉडा टिम्पेनाई नर्व। अब मैं आपको बताऊं, अपन ने पोस्टेरियल वॉल में देखा था कि एक कैनाल रहती है वो है फेशियल कैनाल, उस फेशियल कैनाल के अंदर रहता है अपनी फेशियल नर्व, देन ये फेशियल नर्व क्या करेगी, एक ब्रांच देगी, उसी ब्रांच को अपन बोलते हैं कॉडा टिम्पनाई नर्व, और ये ब्रांच कहाँ पे चली जाती है, अपनी चली जाती है मीडियल वॉल में। तो अपना टोटल मिडिल ईयर में दो नर्व होती है, एक कॉडा टिम्पनाई नर्व जो कि है लेटरल वॉल में, दूसरी है टिम्पेनिक प्लेक्सिस जो कि इसके होता है मिडिल वॉल में। अब बात अपन करते हैं इसकी आर्टरी सप्लाई पे, तो यार मिडिल ईयर को ना टोटल पांच आर्टरी सप्लाई करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आपको सिर्फ क्या करना है, इन पांचों आर्टरी के नाम याद करने हैं, और यार बहुत ही इजी नाम है, मैं आपको बताऊं सारे के सारे आर्टरी में टिम्पेनिक नाम है उनका, टिम्पेनिक, बस अलग क्या है, डिफरेंस क्या है इनमें, कि एक है इंटीरियर टिम्पेनिक ब्रांच, दूसरी है पोस्टीरियर टिम्पेनिक ब्रांच, देन एक होती है सुपीरियर टिम्पेनिक ब्रांच, और एक डायरेक्ट टिम्पेनिक ब्रांच होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। तो चार तो अपने टिम्पेनिक हो गई, और एक अपनी होती है असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच, जो कि अपनी ब्रांच होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। तो आपको क्या सारे पांचों के पांचों नाम याद होने चाहिए, और वो किसकी ब्रांच है आपको ये याद होना चाहिए, जैसे कि इंटीरियर टिम्पेनिक ब्रांच ये अपनी ब्रांच है मैक्सिलरी आर्टरी की, तो उसको याद करने के लिए अब आप एक ट्रिक बना लो, ए एम, अपन बोलते हैं ना ए एम पी एम जो अपने टाइम में रहता है, तो ए से इंटीरियर, एम से मैक्सिलरी आर्टरी, तो आपको जिंगल से याद रहेगा कि इंटीरियर टिम्पेनिक ब्रांच जो है वो मैक्सिलरी आर्टरी के है। फिर पी से पी मिला दो, पोस्टीरियर टिम्पेनिक ब्रांच इज ए ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, सुपीरियर टिम्पेनिक ब्रांच इज ए ब्रांच ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, और लास्ट में अपन को पता ही है टिम्पेनिक ब्रांच जो है वो डायरेक्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। तो ये पांच इसके हो गए आर्टरी सप्लाई। फिर अपन देखते हैं वीनस ड्रेनेज, तो यार जो मिडिल ईयर है ना उसका सारा का सारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने दो साइनस में चला जाता है, एक सुपीरियर पेट्रोजल साइनस, दूसरा टेरिगोइड प्लेक्सिस। अगर आपको इन दोनों के बारे में नहीं पता तो आपको मेरी ड्यूरनल वीनस वाली वीडियो देखनी चाहिए, मैंने उसमें सारी चीज़ें समझाई हैं, उसका लिंक मैं आपको बिल्कुल आई बटन पे दे दूंगा। अब अपन आते हैं नर्व पे, तो मैंने आपको बताया मेनली इसके अंदर एक ही नर्व होती है, वो है टिम्पेनिक
प्लेक्सस, ठीक है। अब ये टिम्पेनिक प्लेक्सस कैसे फॉर्म होता है, तो मैंने आपको पार्ट वन वीडियो में बताया था कि इसके फ्लोर पे एक नर्व रहती है, उससे अपन बोलते हैं ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। तो यार होता क्या है, जो फ्लोर से ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जो रहती है ना, वो आती है यहाँ से और वो अपने आ जाती है मीडियल वॉल में, और मीडियल वॉल में अपना बना लेती है टिम्पेनिक प्लेक्सेस। तो जो टिम्पेनिक प्लेक्सेस है वो अपना फॉर्म होता है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व से, और ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के अलावा यहाँ पे और एक नर्व रहती है, उसका नाम है कॉर्टिगो टिम्पेनिक नर्व। ये आपको दिख रहा है ना, जो यहाँ से आ रही है, ये जो कॉर्टिको टिम्पेनिक नर्व जो है, ये एक्चुअली में अपनी ब्रांच होती है सिंपैथेटिक प्लेक्सेस की। तो ये दोनों की दोनों नर्व मिलके बनाती हैं अपना टिम्पेनिक प्लेक्सेस। तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे कि टिम्पेनिक प्लेक्सेस इज फॉर्म बाय ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व एंड कॉर्टिको टिम्पेनिक नर्व। अब लास्ट में अपन देखते हैं इसका फंक्शन, कि मेनली मिडिल ईयर का फंक्शन क्या है। तो यार मिडिल ईयर का सिर्फ दो फंक्शन होते हैं। सबसे पहले वो साउंड वेव को ट्रांसमिट करने का काम कर रही है, साउंड वेव अपना एक्सटर्नल ईयर में आई, देन वो मिडिल ईयर की होते हुए वो कहाँ चली जाएगी, इंटरनल ईयर में। तो इसका मेन फंक्शन है कि ये साउंड को ट्रांसमिट करने का काम कर रही है। उसके अलावा क्योंकि उसके अंदर ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट हैं, उसके अंदर बोन्स होती हैं मेलस सिनकस एंड एस्टेप, उसके कारण क्या होता है, जैसे ही अपने साउंड वेव आती हैं तो वो बोन जो है, मान लो कि ये मेलस और इनकस है, इस तरीके से वाइब्रेट करने लगती हैं। तो इस वाइब्रेशन से क्या होता है, जो साउंड की इंटेंसिटी है ना वो बढ़ जाती है। तो उसका दूसरा फंक्शन होता है ये साउंड की इंटेंसिटी को बढ़ाने का काम करती है। तो यार ये मैंने पूरा आपको जो है मिडिल ईयर के सारे कंटेंट बता दिए। अब मैं मेरे नोट्स के आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करता हूँ और ये बताऊँगा इसे किस किस हेडिंग में आपको यूनिवर्सिटी में लिखना है, और यूनिवर्सिटी में लिखने का तरीका ना बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, तो वो बिल्कुल मिस मत करना, वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना तुम। और अगर तुम्हें इसके स्क्रीनशॉट में अच्छी क्वालिटी नहीं आए मेरे नोट्स की, तो इंस्टाग्राम पर जाओ, मैंने HD में डाल रखे हैं इंस्टाग्राम में, तो मैं HD में सारे नोट्स ले लो, उसके लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूंगा। और यार अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, और ये तुम्हें मेरा हार्डवर्क थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो तुम मेरे लिए एक चीज़ कर सकते हो, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए। अब शेयर क्या करना है, तुम व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, यार इसी एक वीडियो की नहीं, तुम मुझे सपोर्ट करना है तो पूरी तरीके से करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को तुम शेयर करो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, इंस्टाग्राम पे आईडी लगाओ, लोगों को बताओ कि दी जौहरी यूट्यूब चैनल है, वो एनाटॉमी बहुत इजीली तरीके से पढ़ाता है, नोट्स भी देता है, और ये सारे काम यार मैं खुद इंडिपेंडेंटली करता हूँ। मैंने पहले मैं खुद नोट्स बनाता हूँ आपके लिए, रिटर्न नोट्स, फिर वीडियो शूट करता हूँ, ऐसे मॉडल बनाने पड़ते हैं, उसके बाद डायग्राम भी मुझे प्रिंट करवाने पड़ते हैं, ये अपनी टंकी वीडियो में आपने वाला ही डायग्राम देखा था। तो सारा काम मैं खुद इंडिपेंडेंटली करता हूँ, शूट करा, एडिट करा, तो इतना सब अगर मैं आपके लिए कर सकता हूँ ना यार, और मैं खुद अभी MBBS का स्टूडेंट हूँ, मैं खुद मेरी ईयर का भी पढ़ता हूँ, फिर मैं फर्स्ट ईयर का आपको पढ़ाता हूँ, तो इतना सब मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप सिर्फ इतना काम कर सकते हैं, सिर्फ मेरी वीडियो को शेयर करो एंड मेरे साथ बने रहो, यही मेरा रिवॉर्ड है अल्टीमेटली, उसके अलावा कुछ आपसे एक्सचेंज में नहीं चाहिए। अब आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्क्रीनशॉट देता हूँ। तो अब आप देखिए इसको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। तो यार यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट मिडिल ईयर जो है एक शॉर्ट में आ सकता है या फिर वो लॉन्ग में भी आ सकता है, मेनली अपन उसको शॉर्ट में ही देखते हैं। तो डायरेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मिडिल ईयर, देन फिर आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, पहले आप मिडिल ईयर की हेडिंग डालना बीच में बड़ी, देन फिर उसकी चार इंट्रोडक्शन पॉइंट लिखना कि एक नैरो एयर फील्ड स्पेस है, सिचुएशन, शेप, सब डिविजन, कम्युनिकेशन, बिल्कुल ऐसे लिखो। जितना ज़्यादा तुम पॉइंट में लिखोगे ना उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलने के तुम्हारे चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से पॉइंट में लिखना, देन फिर बाउंड्री की हेडिंग डालना, देन सारी बाउंड्री एक एक करके लिखना जो मैंने तुम्हें इतने डिटेल में बताई थी पार्ट वन में, देन फिर बाउंड्री खत्म होने के बाद आप लिखोगे इसके कंटेंट, पहले मेन कंटेंट सारे जो जो होते हैं, देन इसकी आर्टरी सप्लाई, इसका वीनस ड्रेनेज, इसका नाव और इसके फिर फंक्शन। तो पूरी अपनी मिडिल ईयर हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो आपको लाइक करना है, ओ यार अपन बहुत कुछ कर चुके हैं अभी तक एनाटॉमी में,
मैं आपको अगर बताऊं तो अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स, पेल्विस, एब्डोमेन एंड हेड एंड नेक, अपन आधा हेड एंड नेक कर चुके हैं। एक तरीके से देखा जाए तो अपन ने 60% एनाटॉमी निपटा दी है। ये बहुत बड़ी बात होती है अपन दोनों के लिए कि आपने मेरी वीडियो सारी देखी है और मैंने आपके लिए सारा कंटेंट बनाया है। अब सिर्फ ज़्यादा नहीं 40% काम बचा है, एम्ब्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड ऑस्टियोलॉजी, फिर रेडियोलॉजी अपन पूरा कवर करेंगे। और तुम अगर मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहे तो यार एनाटॉमी के अलावा मैं तुम्हें पीजी के क्वेश्चन भी दे दूंगा, अपने यूनिवर्सिटी के क्लिनिकल भी बना दूंगा आपके लिए। एंड फिर जाहिर सी बात है एनाटॉमी थोड़ी ना है, अपने पास बायोकेमिस्ट्री भी है, फिजियोलॉजी भी है, फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर भी तो आना है आपको, तो सब करेंगे। लेकिन आपको वही बात है, सपोर्ट करते रहो, मेरे साथ बने रहो।